हेलो एवरीवन, मैं राय आप सभी का राय ऑनलाइन अकेडमी पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज की क्लास में हम लोग रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशन में आज हम लोग पढ़ेंगे। साइकोमेट्रिक यूनिट को पढ़ रहे थे, साइकोमेट्री यानी फिफ्थ यूनिट, और इसी में हम लोग साइकोमेट्रिक प्रोसेस को देख रहे थे। फर्स्ट साइकोमेट्रिक प्रोसेस क्या है, एक बार हम कोशिश करते हैं कि रिकॉल करा दें। तो फर्स्ट आपका क्या है, तो आपका मिक्सिंग ऑफ स्ट्रीम एयर, उसके बाद दूसरा सेंसिबल हीटिंग, उसके बाद तीसरा है आपका सेंसिबल कूलिंग, फोर्थ की बात करें तो आपका है कूलिंग ह्यूमिडिफिकेशन, एंड आपका फिफ्थ की बात करें तो कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्या, तो हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन, और सेवन आपका हो गया कूलिंग एंड सॉरी हीटिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन। तो आपका ये है ना, उसके बाद आपका यूनिट समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट आपको बोले थे कि सेकंड यूनिट में आपका न्यूमेरिकल नहीं बना पाया था ना, उसके लिए आपका साइकोमेट्रिक चार्ट का यूज करना पड़ा था ना, तो उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक ही क्लास में हम लोग समाप्त कर देंगे, जिससे आपका यूनिट यानी रेफ्रिजरेशन एंड एयर है ना कंडीशन आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो आप सभी के सपोर्ट के बदौलत ही हम लोगों ने एक छोटी सी समय यानी छोटी सी मुहिम को शुरू किया और एक अच्छे लेवल तक पहुंच के लिए, इसके लिए इस सपोर्ट के लिए आप सभी को दिल से सैल्यूट प्रणाम है ना। तो आप सभी को बार बार नमन कि आप सबको सपोर्ट के है ना बदौलत ही हम लोगों ने एक छोटा सा मुहिम को शुरू किया था। केवल 50 से 55 दिन में ही हम लोगों ने 6 सेमेस्टर का सिलेबस को कंप्लीट करने का प्रयास किया, क्योंकि हम लोगों को 6 सेमेस्टर का नहीं कि आपका डिप्लोमा पूरे 6 से 3rd सेमेस्टर तक सॉरी 3 ईयर में सब यानी 6 सेमेस्टर में सबसे ज्यादा अगर कोई मतलब ज्यादा आपको पढ़ना है यानी है ना ज्यादा आपको यानी यूनिट पढ़ना है सिलेबस, तो आपका 6 सेमेस्टर ही है। और 6 सेमेस्टर में हम लोगों ने 50 से 55 दिन में लगभग सिलेबस कंप्लीट कर दिया। तो आप है ना, केवल मैं ये बोलूं कि हमने सिलेबस कंप्लीट दिया, ये हमारी मूर्खता को दर्शाता है, नहीं आपका भी सपोर्ट के बदौलत ही हम लोगों ने एक इस छोटी से मुहिम को 50 से 55 दिन सिलेबस को कंप्लीट कर दिया। तो इसके लिए आपको बार बार नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, ऐसा सपोर्ट हम लोग को आगे हम ही बनाए रखिएगा, इसके लिए दिल से प्रणाम सैल्यूट है ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आपका। तो आपका 6 है हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन। तो कहता है इफ द एयर पासिस थ्रू द क्वाइल विच हैज टेम्परेचर डिक्रीजर देन द टेम्परेचर ऑफ एयर। तो कहता है जब अगर कोई एयर पास करता कहा तो क्वाइल के यानी हीटिंग क्वाइल के पास अगर से गुजरेगा यानी पास करेगा तो उसका टेम्परेचर क्या होगा, तो इंक्रीज कर देगा। किसके रिस्पेक्ट में, तो मॉइस्ट एयर के रिस्पेक्ट में। तो ये आप समझ गए होंगे। उसके बाद अगला नेक्स्ट आपका लाइन देख लिया, कहता इन ए कैबिन वेयर अ स्प्रे ऑफ वाटर इज सर्कुलेटेड थ्रू द नोजल कंटिन्यूअसली। उसके बाद आपका कैबिन में क्या होता है, तो वाटर को सर्कुलेट यानी स्प्रे किया जाता है, किसके मदद से सर्कुलेट है ना, स्प्रे यानी नोजल के मदद से किया जाता है आपका कंटिन्यूअसली, यानी हमेशा निरंतर आपका ये प्रोसेस किया जाता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट लाइन देखिए, तो कहता है व्हेन द एटोमाइज वाटर पार्टिकल इज इन द कॉन्टेक्ट विद द सर्फेस ऑफ क्वाइल इट ऑब्जर्व द हीट एंड बिकम्स वेपर। कहता है कि जब ये एटोमाइज एयर कहाँ इंटर करता है, तो आपका कहता कॉन्टेक्ट किसके रिस्पेक्ट में, तो क्वाइल हीटिंग क्वाइल के रिस्पेक्ट में जब आता है तो क्या होता है, वो हीट को क्या कर लेता है, ऑब्जर्व कर लेता है, और उसके बाद यह जो एयर है क्या किसमें यानी कि किसमें कन्वर्ट होता है, तो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होता है। उसके बाद अगला लाइन देखिए, तो कहता है द एयर कमिंग इन द चैम्बर व्हेन द फ्लो ओवर द सर्फेस ऑफ हीटिंग क्वाइल इट्स डीबीटी यानी ड्राई बल्ब टेम्परेचर इंक्रीज एंड द वेपर फ्रॉम द गेट्स डिफ्यूज इन द हीटेड एयर। कहता है कि जब अगर एयर है एयर कमिंग करा कैबिन में किसके, तो फ्लो ऑफ सरफेस हीटिंग क्वाइल के अगर इसके ऊपर फ्लो करे तो उसे जो है ना, तो इसका क्या होगा, तो हीट को ऑब्जर्व करने के साथ उसका डीबीटी होगा एंड ड्राई बल्ब टेम्परेचर होगा सबसे इंक्रीज कर देगा है ना, तो उसके क्या होगा, तो उसका वेपर किसमें कन्वर्ट डिफ्यूज हो जाएगा, तो आपका हीट यानी वाटर यानी कि हीट एयर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आपका प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, तो दिस हीटिंग विथ ह्यूमिडिफिकेशन टेक्स प्लेस, इसी को हम लोग कहते हैं हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन। तो ये आप उम्मीद करते हैं कि आप हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन समझ गए होंगे। उसके बाद हम लोग आगे के देखते हैं आपका अगला है 7 है हीटिंग एंड डी ह्यूमिडिफिकेशन। तो इसका देखिए क्या कहता है, तो कहता है इन द एयर इफ द एयर पासेज ओवर द ए सरफेस हुज टेम्परेचर इज ग्रेटर देन द टेम्परेचर ऑफ मॉइस्ट एयर एंड द सरफेस इज कवर विथ द केमिकल ऑब्जॉर्बेशन एंड द वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर देन हीटिंग विथ डी ह्यूमिडिफिकेशन टेक्स प्लेस है ना। तो आपका जब कोई एयर पास करता है किससे, तो आपका हीटिंग यानी क्वाइल सरफेस है, तो उसके बाद उसका टेम्परेचर इंक्रीज करता है, जिससे द टेम्परेचर ऑफ मॉइस्ट एयर एंड द सरफेस ऑफ कवर
कवर विथ द केमिकल ऑब्जर्वेशन के साथ यह हो जाता है। उसके बाद ये वाटर वॉल्व है ना फॉर्म यानी वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर द हीटिंग विथ डिह्यूमिडिफिकेशन टेक्स प्लेस करता है। उसके बाद देखिए द हीट ऑफ द सरफेस राइज द ड्राई बल्ब टेम्परेचर। उसके बाद यहाँ इसका टेम्परेचर ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या होता है तो इंक्रीज यानी राइज कर देता है। हेंस हीटिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन टेक्स प्लेस। तो इसके बाद हीटिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन टेक्स प्लेस करता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि साइकोमेट्रिक प्रोसेस का 6 और 7 प्रोसेस है आपका हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन एंड हीटिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो इसको है ना कॉपी में राइट डाउन कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट आपका टॉपिक है रूम सेंसिबल हीट फैक्टर। ये आपका 4 नंबर में आने की फोर कर सकते हैं या ऑब्जेक्टिव के रूप में आने की यहाँ से आपका हमेशा आते रहता है, एक न एक प्रश्न यहाँ से आएगा। तो इसको खूब अच्छे से ध्यान रखकर समझिएगा। तो कहता है कि रूम सेंसिबल हीट फैक्टर एंड इसी को आपको RSH फैक्टर कहते हैं। तो कहता है इट इज डिफाइन एज द रेशियो ऑफ रूम सेंसिबल हीट इन रूम का सेंसिबल हीट टू द सम ऑफ रूम सेंसिबल हीट एंड द रूम लैटेंट हीट। कहता है कि रूम सेंसिबल हीट फैक्टर क्या है तो यह एक रेशियो किसका तो रूम सेंसिबल हीट का किसके रिस्पेक्ट में तो सम ऑफ रूम सेंसिबल हीट प्लस रूम लैटेंट हीट को है ना। तो देखिए आपका RS यानी रूम सेंसिबल हीट फैक्टर बराबर होता है रूम सेंसिबल हीट व्हाट सम ऑफ यानी जोड़ किसका है तो रूम सेंसिबल हीट फैक्टर प्लस रूम सेंसिबल हीट प्लस रूम लैटेंट हीट है ना, ये आपका योग है। उसके बाद आगे आपका देखिए ग्रैंड सेंसिबल हीट फैक्टर क्या है। तो कहता है इट इज डिफाइन एज द रेशियो ऑफ ग्रैंड सेंसिबल हीट एंड ग्रैंड सेंसिबल हीट एंड सम ऑफ ग्रैंड सेंसिबल हीट एंड ग्रैंड लैटेंट हीट। तो यही आपका देख लीजिए जी यानी ग्रैंड सेंसिबल हीट फैक्टर बराबर ग्रैंड सेंसिबल हीट बटा सम ऑफ ग्रैंड सेंसिबल हीट प्लस ग्रैंड लैटेंट हीट। तो है ना उसके बाद आपका हो गया एक इफेक्टिव रूम सेंसिबल हीट फैक्टर यानी इफेक्टिव रूम सेंसिबल हीट फैक्टर बराबर होता है आपका इफेक्टिव रूम सेंसिबल हीट वटा आपका क्या होगा तो इफेक्टिव रूम सेंसिबल हीट प्लस इफेक्टिव रूम लेटेंट हीट। तो ये हो गया। उसके बाद आपका इस अगर निकालने के लिए आपको कहा ये आपका ये क्या हो गया आपका तो इफेक्टिव रूम सेंसिबल हीट फैक्टर निकालने के लिए कहेगा तो आपका निकालना का इस फॉर्मूला आपको रूम सेंसिबल हीट प्लस 0.02 0.4 इंटू V1 इंटू ड्राई बल्ब टेम्परेचर फर्स्ट और ड्राई बल्ब टेम्परेचर सेकंड और उसके बाद बीएफ मतलब बाईपास फैक्टर बीएफ मतलब बॉयफ्रेंड नहीं समझना है ना बीएफ मतलब बाईपास फैक्टर। उसके बाद देखिए आपका ERS यानी आपका क्या हो गया तो इफेक्टिव रूम सेंसिबल रूम लेटेंट हीट फैक्टर बराबर RLS मतलब रूम लेटेंट हीट प्लस 0.02.4 इंटू V1 इंटू W1 माइनस W2 इंटू VF यानी बाईपास फैक्टर। तो ये आपका छोटा सा टॉपिक था यानी कि साइकोमेट्रिक आपका प्रोसेस का यानी कि 5th यूनिट का जिसको हम लोगों ने 5th यूनिट को पूर्णतः कंप्लीट कर दिया। आपके नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे कि आपका जो 2nd यूनिट में आपका जो आपको न्यूमेरिकल जो छूट गया था उसको हम लोग एक क्लास में आपका कर देंगे तो आपका ये आपका है ना कि रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशन आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो अब इसको कॉपी में राइट डाउन कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।